ग्वालियर की महारानी राजमाता स्वर्गीय माधवी राजे सिंधिया पंचतत्व में विलीन हो गई। उन्हें उनके बेटे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुखाग्नि दी। 16 मई की शाम सिंधिया की छतरी पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित राज परिवार के लोग मौजूद थे। सिंधिया की छतरी पर आने से पहले राजमाता माधवी राजे की रानी महल से अंतिम यात्रा निकाली गई। इस अंतिम यात्रा में उनके दर्शन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। स्वर्गीय माधवी राजे का पार्थिव शरीर दोपहर को अंतिम दर्शन के लिए ग्वालियर के रानी महल में रखा गया था। दोपहर करीब 3:30 बजे महल से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। इसके बाद ये अंतिम यात्रा सिंधिया छतरी पर पहुंची। यहां सिंधिया राजवंश के पुरोहितों ने परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार की तैयारी। इसके बाद निर्धारित समय पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें मुखाग्नि दी। बता दें कि माधवी राजे सिंधिया का 15 मई की सुबह निधन हो गया था। वो पिछले 3 महीने से दिल्ली एम्स में भर्ती थी। वे कुछ समय से वेंटिलेटर पर थी। उनका ये सेप्सिस के साथ निमोनिया का इलाज चल रहा था। राजमाता माधवी राजे के निधन पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राजमाता हमको बच्चों की तरह स्नेह देती थी। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट बोले कि राजमाता का जाना हम सब के लिए बड़ी क्षति। मंत्री विजय शाह ने कहा कि राजमाता का एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। पूर्व मंत्री इमरती देवी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि राजमाता का जाना हमारे लिए पारिवारिक क्षति है। गौरतलब है कि माधवी राजे सिंधिया नेपाल के शाही परिवार की थीं। उनके दादा जुद्ध शमशेर जंग बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें प्रिंसेस किरण राज्य लक्ष्मी देवी के नाम से भी जाना जाता था। उनकी शादी साल 1966 में ग्वालियर के महाराज यानी स्वर्गीय पिता माधवराव सिंधिया के साथ हुई। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।